नमस्कार दोस्तों, जय फ्यूचर मेकर और जय राधे श्याम। दोस्तों सबसे पहले मैं आज बात करूँगा कंपनी के बारे में, फ्यूचर मेकर के जब कल कोर्ट केस हुआ था उसमें क्या हुआ था और क्या नई नई घटना घटी जिसके कारण कंपनी और भी चिंता में आ चुके हैं। कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं क्या हुआ था कल कोर्ट के बाहर, उसकी पूरी डिटेल के बारे में। दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ है कि कल CMD सर श्री राधे श्याम जी से, ये मुकेश परमार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो मिलने गए थे और उनको क्या बताया गया, फ्यूचर मेकर धोखाधड़ी, 5वीं पास ने 1 लाख लोगों से निवेश करा, 3 करोड़ ठगी, जेल में बंद CMD से मिलने गया तो धरा। तो दोस्तों उन्हें पकड़ लिया गया है, वो CMD, उनकी गलती ये है कि वो CMD सर से मिलने गए थे। इसके बाद बात करते हैं पूरी न्यूज़ की और कहाँ की न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि अक्टूबर 6, 2018, टाइम 2:16 AM, हिसार हिसार भास्कर जो कि वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे दिया गया है। हमें बहुत दुख हुआ इस खबर को देखते हुए और आपको बताते हुए कि फ्यूचर मेकर लाइफ केयर कंपनी प्रकरण में तेलंगाना की साइबराबाद सिटी पुलिस ने फतेहाबाद के टोहाना निवासी राजपाल सिंह और मध्य प्रदेश के सुजालपुर सिटी निवासी मुकेश परमार को गिरफ्तार किया। ये दोनों जेल में बंद कंपनी के CMD राधे श्याम से मिलने के लिए तेलंगाना पहुंचे थे। इनके पकड़े जाने की पुष्टि साइबराबाद सिटी के कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सजनाकर ने की है कि दोस्तों उन्हें पकड़ लिया गया है। उसके बाद बताया गया है, VC सजनाकर ने बताया कि राजपाल सिंह 5वीं पास है। 2015 में कंपनी ज्वाइन करने के बाद से लेकर कंपनी का हिसार स्थित हेडक्वार्टर सील होने तक 1 लाख लोगों को मनी सर्कुलेशन नेटवर्क में जोड़कर 3 करोड़ रुपए कमा चुका है। यह कंपनी का क्राउन एम्बेसडर बन गया है। उसके बैंक खाते में अभी 1 करोड़ रुपए आने वाले थे। तो दोस्तों उन्हें बताया गया है कि ये क्राउन एम्बेसडर बन चुके थे कंपनी के और इनके बैंक खाते में अभी 1 करोड़ रुपए आने वाले थे। इसके बाद दिया गया है, वहीं मुकेश परमार 10वीं पास है, वह डिस्ट्रीब्यूटर था और उसने 40,000 लोगों को कंपनी से जोड़कर 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए बतौर कमीशन जल्द मिलने वाला था, लेकिन साइबराबाद सिटी पुलिस ने दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तो दोस्तों दूसरे मुकेश परमार 10वीं पास है और वह डिस्ट्रीब्यूटर थे और 40,000 लोगों को कंपनी में जोड़कर 2 लाख रुपए कमाए थे। इसके बाद दिया गया है कि कम पढ़ी लिखी महिलाओं को पैसा कई गुना करने का झांसा दे करवाया इन्वेस्ट। पुलिस के अनुसार इन्होंने ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवकों और निरक्षर या कम पढ़ी लिखी महिलाओं को पैसा कई गुना करने का झांसा देकर उसने कंपनी में निवेश करते थे। ये दोनों लोकल स्तर पर मीटिंग कर लोगों को पैसा निवेश करने के लिए आमंत्रित करते थे। उन्होंने 1.40 लाख लोगों को पैसा निवेश कराकर जहां कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया, वहीं खुद भी करोड़ों रुपए कमाए। इससे ये कंपनी के CMD और MD के काफ़ी नज़दीक हो गए थे। दोनों ही आरोपी लोगों के पैसों से लग्जरी लाइफ जीने लगे थे। दोस्तों इसके बाद पुलिस कमिश्नर बोले, प्रमोटर और इन्वेस्टर भी है आरोपी, कार्रवाई होगी। सजनागर ने बताया कि मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत मनी सर्कुलेशन निवेश स्कीम में निवेश
करने और स्कीम को प्रमोट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फ्यूचर मेकर कंपनी मामले में करीब 10% लोग ही करोड़ों रुपए कमाने में सफल हुए। पुलिस इससे पहले सीएमडी राधेश्याम, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सुंदर समेत कई तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो दोस्तों, कल कोर्ट में सुनवाई थी, उसके साथ ही जो कोर्ट वहाँ राधेश्याम जी से मिलने गए थे, ये दो आदमी मुकेश परमार और दूसरे जो भाई हैं वो मिलने गए थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। और बताया जा रहा है कि एक 5वीं पास है और दूसरा 10वीं पास है, और दोनों ने करोड़ों, 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ा था। तो दोस्तों, ये कोर्ट रूम के बाहर की सबसे बड़ी खबर है। और जो कोर्ट रूम में हुआ था उसमें 8 तारीख की डेट दे दी गई है, 8 तारीख को फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद डिसीजन आएगा, वो आपके पास हम शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि फ्यूचर मेकर से रिलेटेड जो भी न्यूज आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय फ्यूचर मेकर, जय राधेश।